कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर बादलों के पार आसमान में बनती हैं, लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर जोड़ियां बनाते तो फिल्मकार हैं, उन्हें हिट और पॉपुलर दर्शक बनाते हैं। खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की रोमांटिक जोड़ी ऐसी ही हिट जोड़ी है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और सिजलिंग गर्ल काजल राघवानी की जोड़ी को बेहद कम समय में ही दर्शकों ने इस तरह बेशुमार प्यार दिया कि आज ये जोड़ी भोजपुरी सिनेमा की टॉप रोमांटिक जोड़ियों में से एक है। खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी को भोजपुरी सिनेमा में कदम रखे बहुत ज्यादा समय नहीं गुजरा है और साथ साथ काम करते हुए तो बहुत ही कम वक्त हुआ है, लेकिन ये इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री का ही जादू है कि इतने कम वक्त में ही इस रोमांटिक जोड़ी ने न सिर्फ सफलता का आसमान छुआ है बल्कि उस पर अब तक काबिज भी है। खेसारी लाल यादव ने साल 2012 में सुपरहिट फिल्म साजन चले ससुराल से भोजपुरी सिनेमा में कदम रखा था, जबकि काजल राघवानी गुजराती फिल्मों से होते हुए 2013 में रिहाई फिल्म से भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री मारी थी। हालांकि कई लोग फिल्म सुगना को काजल राघवानी की पहली भोजपुरी फिल्म मानते हैं। वैसे काजल को इंडस्ट्री में पहचान मिली 2014 में रिलीज हुई प्रतिज्ञा 2 से। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव भी थे, लेकिन फिल्म में दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं थे। दबंग स्टार खेसारी लाल यादव और भोजपुरी की बोल्ड ब्यूटी काजल राघवानी की रोमांटिक जोड़ी पहली बार दिखाई दी थी 2015 में आई इंतकाम में। इंतकाम में इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद भी आई। इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ साथ काम किया और देखते ही देखते ये जोड़ी भोजपुरी सिनेमा की टॉप रोमांटिक जोड़ियों में शुमार हो गई। दर्शकों के बीच ये जोड़ी इस कदर पॉपुलर है कि रियल लाइफ की रोमांटिक केमिस्ट्री को रियल लाइफ से जोड़कर इनके बीच रोमांस और अफेयर के कई गॉसिप समय समय पर मीडिया की सुर्खियां बनते रहे हैं। खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी ने अब तक कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। इस जोड़ी की हिट फिल्मों में मेहंदी लगा के रखना, ज्वाला, मुकद्दर, इंतकाम, दबंग आशिक, मैं सेहरा बांध के आऊंगा, दीवानापन, दुल्हन गंगा पार के इत्यादि हैं। जबकि नागदेव, संघर्ष, खेसारी 786 जैसी कई फिल्में आने वाली हैं। यानी भोजपुरी सिनेमा की इस हिट और पॉपुलर रोमांटिक जोड़ी का जलवा आगे भी पर्दे पर कायम रहेगा।